नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो प्लांटर बना के बताऊंगी, वो भी प्लास्टिक बॉटल से। मेरे पास कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मतलब कि जो छोटे पॉट हैं बेकार हो जाते हैं, तो उनको नए पॉट में जैसे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से हम प्लांटर बनाकर प्लांट को जो है उसमें रख सकते हैं। इसके साथ आप जैसे ही पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें कुछ टिप्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रूट की बड़ी वाली बोतल ली है और इस तरीके से देखिए मैंने बटरफ्लाई की एक शेप इसमें जो लगाकर और उसको कट कर दिया है। ये थोड़ा सा यूनिक आइडिया है, आप देखिएगा पूरा वीडियो तो आपको पता लगेगा कि हाँ वाकई में ये बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होता है। इस तरीके से जो घर में गार्डनिंग करते हैं या फिर जिसके पास कम जगह है और बालकनी है, बालकनी छोटी है या फिर स्पेस कम होता है, जगह नहीं होती है, तो उनके लिए ये जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, विंडो में भी लगा सकते हैं और घर तो ये बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। तो मैंने देखिए इसको शेप देके और उसको सीजर की हेल्प से कट कर लिया। आप इस तरीके से कट कर लें और यहाँ पर निशान लगाने के बाद 1 इंच या फिर 1.5 इंच से नीचे आप निशान लगाइए और जितना आपको पॉट का साइज़ रखना है उतना इसमें नीचे इसका उतना रखिए। ये साइन लगाने के बाद ये होता है ना कि निशान लगा लेते हैं तो उससे जो है सही कट होता है। आपको यहाँ पर 3 रखना है या फिर 4 रखना है, आप उस तरीके से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें 3 बनाए हैं, 3 स्टैंड हो जाएंगे जिससे कि ये खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से आप निशान लगा कर इसको कट कर लें। मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। आप किसी या तो आप गर्म चाकू करके इसको कट कर सकते हैं या कैंची से आप इसको कट कर सकते हैं। इजीली ये कट हो जाता है क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो सीजर से इजीली कट हो जाती है। पूरा कट करने के बाद आप देख पा रहे हो कितनी अच्छे से इसमें जो अभी देखिए शेप आ गई है। और जो इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे जो लगता है आपको जब कट करते हैं प्लास्टिक की बॉटल, तो आप प्रेस की हेल्प से जो है इसको स्मूथ कर सकते हैं। प्रेस गर्म करके और हल्का हल्का वो करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कलर का यूज़ किया है, आप कोई भी अपना मनचाहा कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइट येलो यूज़ करूँगी। तो हम इस तरीके से पूरे पॉट में जो है ये कलर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। देखिए प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं वो हमारे घर में अक्सर आती रहती है क्योंकि अभी तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सभी पीते हैं और जो है ऐसे ही गिर देते हैं। ये जल्दी से जो है डिकम्पोज नहीं होता है। प्लास्टिक तो देखिए आप मिट्टी में गलती भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि इसको रीयूज़ कर लें। रीयूज़ करने से क्या होता है, एक तो आपको पॉट मिल जाता है और ऊपर से आपके घर और गार्डन की खूबसूरती बनी रहती है। तो इसीलिए आप प्लास्टिक बॉटल का ज़रूर यूज़ कीजिए, आप एक से बढ़कर एक शेप आप बना सकते हैं। फिर मैंने दूसरी बोतल ली है, ये छोटी वाली है, लिम्का वाली बॉटल है। इसमें भी आप ये छोटे प्लांटर के लिए जो हम छोटा प्लांट है उसको लगाने के लिए मैं इसको बना रही हूँ। तो इस जितना आपको रखना है आप उस हिसाब से देख पा रहे हो कि ऐसे निशान लगाकर इसमें भी हम जो है इसको कट कर लेंगे। देखिए निशान लगा दिए हैं मैंने, अब आप इसको कट कर लीजिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि जो बॉटल होती है इसकी शेप काफ़ी अच्छी होती है। आप इसको कटर की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, बहुत अच्छा सा अभी देखिए इसमें शेप आ गया है। और अब हम करेंगे इसमें कलर अप्लाई। मेरे पास अभी ये एक कलर था, एक ही कलर मैंने किया था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वो वेस्ट होता, तो इसीलिए मैंने इसमें भी यही कलर कर दिया है। आप कोई भी कलर अपनी चॉइस के अनुसार कर लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जब हम इसमें प्लांट लगाएंगे या फिर आप कोई टेबल पे रखेंगे, कोई भी चीज़ इधर उधर हमारी छोटी मोटी पड़ी रहती है उसको भी आप इसमें रखेंगे तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। जैसे पेन है और या फिर चार्जर वगैरह है, इस तरीके की चीज़ें भी हम इसमें रख सकते हैं। अब हम जैसे ही हमारी दूसरी बोतल का पेंट सूखता है इतने में हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए अब ये जो बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई का शेप मैंने कट किया था, इसमें कलर अप्लाई करेंगे। मैं जो बटरफ्लाई है वो रेड कलर की बना रही हूँ। आप कोई भी अपना जो भी आपको कलर अच्छा लगे, वैसे तो बटरफ्लाई कलरफुल होती है, आप जो भी रंग देंगे वो अच्छी ही लगेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बटरफ्लाई को देखिए एक ही कलर से जो है कलर कर दिया है। अब दो बोतल हैं, मैं एक पर पेंट सूख जाता है तो दूसरे पे काम कर लेती हूँ और दूसरा सूख जाता है तो पहले वाले पे काम कर लेती हूँ। इस तरीके से देखिए जैसे जो लिम्का की बोतल है
इसमें उभरा हुआ सा थोड़ा सा निशान बना होता है, बस वही मैंने पेंट किया है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा कलर मैंने इसलिए पेंट नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा खिचपिच हो जाती है तो वो इतना देखने में सुंदर नहीं लगता है, इसीलिए मैंने बहुत कम कलर का यूज़ किया है। बस दो ही कलर यूज़ किए हैं और ज़्यादा मैंने कलर इसमें कोई भी यूज़ नहीं किया है। आप देख पा रहे हो, देखिए दो ही कलर से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जैसे अब ये बटरफ्लाई का कलर सूख गया है तो अब हम इसमें आगे काम करेंगे। आप इसको थोड़ा सा आउटलाइन कर दीजिए, जो भी कलर आप इसको देना चाहें, जो भी डिज़ाइन आप अपने इसमें बनाना चाहते हैं वो चीज़ आप बना सकते हैं। वैसे तो मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो आप देख ही पा रहे हो। इस तरीके से इसकी थोड़ी सी बाउंड्री कर दीजिए, बाउंड्री मतलब कि आउटलाइन कर लीजिए थोड़ी सी, तो ये थोड़ी सी और अच्छी लगेगी दिखने के बाद। तो इस तरीके से हम जो है प्लास्टिक बॉटल का देखिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप बाहर से भी कोई प्लांटर लेते हैं, थोड़ा सा भी उसमें काम होता है तो उसी की वजह से ही देखिए वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो ये बॉटल ऐसे ही पड़ी रहती है, इनका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए आप इन बॉटल को ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर एक से एक डिज़ाइन बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएं, आप जो भी पसंद करते हैं, जो भी आपके दिमाग में हो वो आप बना सकते हैं। देखिए मैंने ये तैयार कर लिया, लग रहा है मैं सुंदर, तो इसी तरीके से हम इसको बना कर तैयार कर लेंगे। अब ये जब चाहे तो आप इसको टेबल पे रख दीजिए, विंडो में लटका सकते हैं, और आप अपने जो चौखट होती है आप वहाँ पर लटका सकते हैं। देखिए दोनों ही प्लांटर जो है मैंने बना कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें देखिए लगाएंगे अपने प्लांटर, क्योंकि मैंने ये दोनों चीज़ जो है अपने प्लांट लगाने के लिए ही बनाई है। तो अभी हम जो प्लांट लगाएंगे, यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, आप एग्लोनीमा लगा सकते हैं और सिंगोनियम प्लांट लगा सकते हैं। ये इंडोर रखने के लिए बना है तो मैं इसमें इंडोर ही प्लांट लगाऊंगी। तो देखिए अब ये है हमारी पहली ट्रिक। आप इस तरह से कोई भी कंटेनर ले लें और उसमें ये कपड़े का टुकड़ा थोड़ी सी स्ट्राइप कट करके और उसको इसके होल करके इस तरीके से निकाल लीजिए। मैंने दो पॉट लिए क्योंकि दो कंटेनर बनाए हैं, एक छोटा लिया है, एक छोटी बॉटल के हिसाब से लिया है और एक बड़ी वाली बॉटल के हिसाब से लिया है। इस तरह से करने के बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही हल्की सी मिट्टी तैयार की है। इसमें सैंड है, राइस हस्क है और केवल इसमें फंगिसाइड है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अभी सिंपल से इसमें ही लगाऊंगी, कुछ कट लगाऊंगी, जिससे कि जो है बाद में हम इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसे में मैंने इसको कोई भी खाद नहीं दिया है। हम अपने पॉट को फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद मैं इसमें लगा लूँगी प्लांट। तो जो भी हमारा जैसे काफ़ी पुराना अगर कोई पॉट हो जाता है वो दिखने में सुंदर नहीं लगता है, तो आप उस पॉट को भी इस तरीके से अपने बनाए हुए DIY में लगा सकते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम इसमें भर देंगे अभी पानी। मैंने इस बॉटल में होल नहीं किया है, करीबन 2 से 2.5 इंची तक मैं इसमें पानी भर दूँगी दोनों बोतल में। और इसके बाद जो हमने अभी अपने जो प्लांट लगाए हैं वेस्ट कंटेनर में, उनको जो है इसमें दोनों बोतल में फिक्स कर देंगे। पहले हम छोटे वाला लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लगने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप के पास कम स्पेस है तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बस इसका क्या होता है, थोड़ा सा टाइम के साथ साथ प्लास्टिक जो होती है ना वो ख़राब होने लगती है। तो आप जब लगे कि आपके पॉट का कलर डल हो गया तो आप इसको दोबारा से कलर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी पॉट में मिट्टी भरने के बाद देखिए सिंगोनियम की ये कटिंग्स लगा ली हैं। सिंगोनियम एक इंडोर प्लांट है जो कि बहुत ही आसानी से चल जाता है, इसे धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर इसे शेड एरिया में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। आप इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिए क्योंकि ये ऊपर तक तो जाता नहीं है, बस मनी प्लांट की तरह जैसे नीचे लटकता है ना, तो उस तरीके से जब इसकी पत्तियाँ नीचे लटकेंगी ना तो पॉट में लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। देखिए मैंने ये लगा लिया है, आप देख लीजिए कितना सुंदर लगा। अब दूसरी जो ट्रिक है मेरी, जो दूसरी टिप है इसमें, जैसे अगर कोई बोतल होती है, आपको कोई प्लांटर लटकाना होता है, इस तरीके से कैप होता है, कट करना होता है, तो उसको हैंग करने के लिए क्या करेंगे, ये केबल टाइप है, केबल जिप है, ये इजीली आपको शॉप पे मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और मैंने बोतल में, बोतल का जो ढक्कन है उसमें दो होल कर लिए हैं और इस तरीके से आप उसको
इसकी देखिए ये मैंने ना अब इसमें लगा दिया है, इसको आप इस तरीके से जो है टाइट कर दीजिए, तो अब ये खुलेगा नहीं, तो जहाँ भी मर्जी आप इसको लटकाएंगे तो बहुत अच्छे से लटक जाएगा। और अब जो मैंने ये बोतल के कैप है इसमें लगाया था, अब हम इसको कर देंगे इसमें फिक्स, और आप जहाँ मर्जी इनको लटकाइए गिरेंगे नहीं। मैंने दोनों बोतल के बनाकर लगा दिए, तो देखिए लग रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत। वैसे भी हम प्लास्टिक के जो हैं गमले ख़रीदते ही हैं, तो उससे अच्छा देखिए ये भी प्लास्टिक ही हैं, आप बड़ी बॉटल्स आती हैं, तो इस तरीके से आप बनाकर अपने प्लांट्स को लगा सकते हैं। मैंने तो दूसरे कंटेनर में लगा के इसमें लगाया है, आप डायरेक्टली इसमें होल करने के बाद मिट्टी भर दीजिए और अपने प्लांट को लगा दीजिए। तो इस तरीके से हम जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनका रीयूज़ कर सकते हैं और गार्डन में अपने लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ। हैप्पी गार्डनिंग।